गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा और आज का जो वीडियो है वो है कंपैरिजन वीडियो। तो ये बायोडर्मा के तीन फेस क्लेंजर्स हैं, इनमें ही आज मैं कंपैरिजन करने वाली हूँ कि कौन सा ज्यादा बेटर है, कौन सा मुझे पसंद आता है और कौन से स्किन टाइप वालों को सूट करता है। तो अगर आप भी बायोडर्मा के ये फेस वॉशेस लेना चाहते हो और कंफ्यूज हो कि कौन सा आपकी स्किन के लिए अच्छा रहेगा, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो ये है बायोडर्मा का सेंसी बायो जेल मूसेंट, ये है बायोडर्मा का सीबीएम जेल मूसेंट एक्टिव, और ये है बायोडर्मा पिगमेंट बायो फेस क्रीम। तो इन तीनों में ये जो है बायोडर्मा सेंसी बायो जेल मूसेंट, ये जेल कंसिस्टेंसी के साथ है। ये वाला जो सेंसी बायो है ये भी जेल कंसिस्टेंसी के साथ है, और ये फोमिंग क्रीम है तो ये क्रीम कंसिस्टेंसी के साथ है। ये जो फेस वॉश है इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स भी हैं, बीट्स हैं जो कि एक्सफोलिएशन का काम करते हैं। इन दोनों में ये बीट्स वगैरह कुछ भी नहीं है। तीनों के की इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो ये जो है सेंसी बायो, इसमें विटामिन ई की गुडनेस है जिससे जब आप इसको यूज करेंगे तो ये स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है। ये जो है इसमें ग्लाइकोलिक एसिड और सैलिसिलिक एसिड यूज किया गया है जो कि आपके क्लॉक पोर्स की प्रॉब्लम को, एक्सेस ऑयल की प्रॉब्लम को ट्रीट करने में हेल्प करता है। और ये है इसमें एजेलिक एसिड यूज किया गया है जो कि आपके दाग धब्बे पिगमेंटेशन वगैरह को ट्रीट करने में हेल्प करता है। तो इन तीनों के इंग्रेडिएंट से ही आप समझ गए होंगे कि ये जो सेंसी बायो है ये स्पेशली सेंसिटिव स्किन वालों के लिए है, क्योंकि सेंसिटिव स्किन वालों को ऐसे फेस वॉश चाहिए होते हैं जो माइल्ड हो। तो ये है सूदिंग माइसेलर क्लेंजिंग फोमिंग जेल, जो कि अगर आप अपने आईज के अराउंड भी लगाओगे ना तो कोई भी इरिटेशन वगैरह नहीं होगा। इसमें फ्रेग्रेंस भी यूज नहीं की गई है और ये सेंसिटिव स्किन वालों के लिए एकदम परफेक्ट है। ये स्किन को बहुत अच्छे से क्लेंस तो करता ही है, साथ ही आपकी स्किन को सूदिंग करेगा, इरिटेशन वगैरह को कम करने में, स्किन को काम करने में हेल्प करता है। ये जो है ये है इंटेंस प्यूरिफाइंग क्लेंजिंग एक्टिव फोमिंग जेल जो कि अनक्लॉग्ड पोर्स की प्रॉब्लम को ट्रीट करता है, और ऑयली टू एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए ये है क्योंकि अनक्लॉग्ड पोर्स की प्रॉब्लम ठीक करेगा, पिंपल, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स जैसी प्रॉब्लम्स को ठीक करता है। और इसमें ग्लाइकोलिक एसिड और सैलिसिलिक एसिड है जो कि आपकी स्किन से एक्ने हुए, पिंपल हुए, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स को ट्रीट करने में, एक्सेस ऑयल का प्रॉब्लम को ट्रीट करने में हेल्प करते हैं। तो ये भी क्लेंस तो करता ही है, साथ ही साथ आपके स्किन से पिंपल एक्ने को भी ट्रीट करने में ये हेल्प करता है। ये पिगमेंट बायो ब्राइटनिंग क्लेंजर है, इसमें एजेलिक एसिड है और एजेलिक एसिड डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन जैसी चीजों को ट्रीट करने में हेल्प करता है। तो अगर आपको पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स हैं, अनइवन स्किन का प्रॉब्लम है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, और इसको सेंसिटिव स्किन वाले यूज कर सकते हैं। बाकी क्योंकि ये जो है ये फोमिंग क्रीम है तो ड्राई स्किन वाले, कॉम्बिनेशन स्किन वाले भी इसको आराम से यूज कर सकते हैं। तो इन तीनों का समझ आ गया होगा आपको, ये जो सेंसी बायो है सेंसिटिव स्किन के लिए, ये सीबीएम ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के लिए है, और ये वाला ड्राई स्किन कॉम्बिनेशन और सेंसिटिव स्किन वाले भी इसको यूज कर सकते हैं अगर आप एक्सफोलिएशन चाहते हैं। सेंसी बायो है ये 3 साइजेस में अवेलेबल है, 45 ml, 200 ml एंड 500 ml में आता है। प्राइस इसकी स्क्रीन पे आपको दिख जाएंगे। ये 2 साइजेस में अवेलेबल है, 45 ml के पैक में आता है, 200 ml के पैक में आता है, और ये सिर्फ एक ही साइज में अवेलेबल है, यही इसका साइज है, 200 ml के पैक में आता है। तीनों ही फेस वॉशेस बहुत अच्छे से फोम क्रिएट करते हैं, लेदर क्रिएट करते हैं और स्किन को काफी अच्छे से क्लीन भी करते हैं। इन दोनों को यूज करने के बाद स्किन बिल्कुल भी ड्राई नहीं होती है, स्पेशली इसको यूज करने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं होती है क्योंकि ये क्रीमी टेक्सचर है, और इसको इसको करने के बाद भी नहीं होती है। पर इसको करने के बाद स्किन थोड़ी सी ड्राई आपको लग सकती है, और स्पेशली विंटर में तो आपको तुरंत मॉइस्चराइजर लगाना होता है। मैं इन तीनों फेस वॉशेस को ही यूज कर चुकी हूँ, जिनमें से ये दोनों तो फिनिश भी हो गए हैं। मुझे ये तीनों ही काफी अच्छे लगे, सही बताऊं तो तीनों को यूज करके मुझे ऐसा लगा कि ये जो फेस वॉश है इसको सिर्फ और सिर्फ ऑयली एक्ने प्रोन स्किन वाले ही यूज करें।
ड्राई स्किन वाले, सेंसिटिव स्किन वाले इसको भूल के भी यूज ना करें, नहीं तो आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई लगेगी और आपको बिल्कुल अच्छा फील नहीं होगा। तो ये स्पेशली ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के लिए है। ये जो फेस वॉश है, ये चाहे ड्राई स्किन वाले हो, चाहे सेंसिटिव स्किन हो, चाहे ऑयली स्किन हो, एक्ने प्रोन स्किन हो, आपकी स्किन पे एक्टिव एक्ने ही क्यों ना हो, आप इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये स्पेशली सेंसिटिव स्किन वालों के लिए है और काफी सेफ है। तो मुझे ये फेस वॉश ऐसा लगा कि सारे स्किन टाइप्स वाले बिल्कुल इसको यूज कर सकते हैं। कोई भी स्किन टाइप्स वाले इसको यूज करेंगे उनको अच्छा ही लगेगा ये फेस वॉश। ये स्पेशली जिनको डार्क स्पॉट्स हैं, पिगमेंटेशन वगैरह है, वो यूज करें, सेंसिटिव स्किन वालों के लिए लिखा हुआ है वो लोग यूज करें। पर मुझे इसको यूज करने के बाद ऐसा लगा कि इसको ड्राई स्किन वाले, कॉम्बिनेशन स्किन वाले आराम से यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी है। साथ ही साथ सेंसिटिव स्किन वाले भी इसको यूज कर सकते हैं, पर अगर आपको एक्टिव एक्ने हो रखे हैं स्किन पर तब बिल्कुल भी इसको यूज ना करें। तो ये फेस वॉशेस आप अपने स्किन कंसर्न के अकॉर्डिंग, आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। स्क्रीन पर आपको प्रोडक्ट टैग का ऑप्शन मिलेगा, वहां से आप ये प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हैं। और मुझे आप जरूर बताना कि आपका फेवरेट फेस वॉश कौन सा है, क्या आपने इन तीनों में से किसी फेस वॉश को यूज किया है, और वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर कर देना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।